Good morning, students. Yesterday we have discussed the small scale fixed retailer. Means fixed shop retailer have two categories, small scale and large scale. Okay, and in previous lecture we have discussed small scale fixed retail shops and its types. Firstly, we have discussed general stores, then specialty stores, then street shops, then second hand goods shop. Lastly, second shops, which are one of the type of small scale fixed retail shop, we have not discussed this. Okay, second shops like जैसे नाम से इसके पता चल रहा है कि second shops means second hand या तो बेचेंगे या तो used product बेचेंगे और या तो generally इनके पास ऐसे products होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ defects होते हैं, वो प्रोडक्ट जो स्पेशली डिमांड या किसी की नीड के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते हैं, बचे या उसमें कोई डिफेक्ट आया तो ये जो शॉपकीपर्स या रिटेलर्स होते हैं उन सारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेते हैं, देन दे सोल्ड इट. तो वो पर्सन्स जो मतलब कम रेट में या इस टाइप के डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, दे कैन गो एंड परचेज इट फ्रॉम दीज सेलर्स. ओके, मेन इनका फीचर्स अगर हम देखें तो इनका ये होता है कि ये मार्केट एरिया में अवेलेबल होते हैं, मार्केट एरिया में इनकी शॉप्स सिचुएटेड होता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मेन जो फीचर है वो कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट में ये डील करते हैं, वो प्रोडक्ट वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होता है लेकिन बचा या डिफेक्ट हुआ तो ये सोल्ड खरीद कर फिर कस्टमर को सोल्ड करते हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इनके जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के या प्रोडक्ट्स के वो बहुत लो प्राइस होते हैं. जाहिर है अगर आप मार्केट में जाइए और कोई कपड़ा या कोई चीज़ आपको पसंद आई वो 500 की है, अब आपकी अचानक नज़र पड़ी कि उसमें कोई डिफेक्ट है, कुछ कटा है या कुछ भी ऐसा कोई डिफेक्ट है, तो आप कहेंगे कि या तो उसके प्राइस आप कम करिए और या तो आप लेंगे ही नहीं. तो जाहिर है जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट होंगे उनके प्राइस लो होंगे, तो ये जो शॉपकीपर्स या रिटेलर्स होते हैं इनके पास लो प्राइस के गुड्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये कभी कभी इनकी जो स्टॉल्स या इनकी जो शॉप्स होती हैं वो टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं. मतलब कहीं पर किसी ने से रेंट पे उन्होंने हाउस ले लिया या रेंट पे कोई बिल्डिंग ले लिया और उस या फिर हॉल ले लिया और उसमें वो करते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में पैम्फलेट आता है कि ये इस पैलेस में या इस गेस्ट हाउस में वो लगी हुई है, मार्केट लगी हुई है, शॉप्स लगी हुई हैं, वहाँ से बचा हुआ सामान या जो भी वहाँ बिक नहीं पाया वो यहाँ पर आया है और इतने इतने कम दामों में, इतने प्राइस में विद डिस्काउंट प्राइस, तो वो उसको सोल्ड करते हैं. दैट आर नोन एज सेकेंड शॉप्स. ओके, तो ये थे आपके स्मॉल स्केल रिटेल फिक्स्ड रिटेलर्स. नेक्स्ट इज़ लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप्स, जो आपको मैंने एक वो बताया था, चार्ट बताया था, उसमें इटिनरेंट्स के तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फिक्स शॉप रिटेलर पढ़ रहे हैं. इसमें हम स्मॉल स्केल शॉप्स की जितनी भी कैटेगरीज या टाइप्स थे वी हैव डिस्कस्ड इट. लास्टली ये बचा था, ये मैंने कवर कर दिया है, तो स्मॉल स्केल शॉप्स के आपके ये पूरा कवर हो गया है. नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द लार्ज स्केल शॉप्स. लार्ज स्केल शॉप्स आर द टाइप ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. सो हियर इट इज़ रिटन लार्ज स्केल रिटेलर्स. लार्ज स्केल रिटेलर्स भी फिक्स्ड रिटेल शॉप्स के एक टाइप होता है. दीज रिटेलर्स डील इन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड परचेज गुड्स इन बल्क. फीचर्स इनके कुछ दिए हुए हैं. अब देखिए, स्मॉल स्केल हम लोगों ने पढ़ा और उसमें ये देखा कि इनकी शॉप्स फिक्स्ड होती हैं लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है. क्यों? क्योंकि साइज़ बिजनेस का स्मॉल होता है. लार्ज में जहाँ बिजनेस का साइज़ लार्ज हो जाएगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कैसी होगी? लार्ज इन्वेस्टमेंट होगी. तो ये लार्ज स्केल रिटेलर्स जो होते हैं इनकी शॉप, इनका बिजनेस की साइज़ लार्ज होती है और लार्ज होने की वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट भी हाई अमाउंट या हाई कैपिटल या लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. ये जो है गुड्स को परचेज करते हैं बल्क में और फिर वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल करवाते हैं.
इनके कुछ फीचर्स भी हैं, लेट्स सी, दे रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. अभी मैंने बताया कि बिजनेस का साइज लार्ज है तो इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज होगा या हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये लिख सकते हैं आप. दे हैव लार्ज साइज शोरूम्स टू सेल गुड्स. जब बल्क में ये परचेज करते हैं गुड्स को और वैरायटीज ऑफ गुड्स अवेलेबल कराते हैं कस्टमर को, तो इसके लिए उनके पास एक फिक्स्ड शॉप या फिक्स्ड शोरूम होना ज़रूरी है. तो ये जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, इनका बिजनेस का साइज़ लार्ज होता है, इस वजह से ये अपने गुड्स को या अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं इन अ लार्ज साइज़ शोरूम्स में. स्मॉल में तो छोटी छोटी शॉप्स हो गई, स्टोर्स हो गए, लेकिन जो लार्ज साइज़ वाला है हमारा, यहाँ देख सकते हैं आप एग्जांपल में दिया हुआ है बिग बाज़ार. तो बिग बाज़ार वाले जो क्या करते हैं कि अपने अपने प्रोडक्ट या अपने गुड्स को ऐसी जगह से उठाते हैं जहाँ उनको बल्क में मिले, और इनको जब ये बल्क मिलेंगे या होलसेल मिलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं प्राइस भी लो प्राइस पे गुड्स मिल जाता है. फिर वो क्या करते हैं, हर सामानों की वैरायटीज़ लाकर अपने शोरूम्स में अवेलेबल कराते हैं ताकि कस्टमर आए और एक ही जगह पे उनको सारी चीज़ें मिल जाएं. तो जनरली इनका शोरूम होता है जिसके थ्रू ये अपने गुड्स को सोल्ड करते हैं. दे आर जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर्स. अगर हम बिग बाज़ार या पैंटलूंस या कोई भी शॉपिंग मॉल की बात करें तो आपने देखा होगा कि सिटी के जो मेन सेंटर होता है हमारा, जो पॉश एरिया टाइप होता है, वहाँ हमारे ये शोरूम्स देखने के को मिलते हैं. तो वही कह रहे हैं कि ये जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, इनकी शोरूम या शॉप कहाँ लोकेटेड होती है, सिटी के सेंट्रल प्लेस पे या मिड ऑफ द सिटी. जैसे प्रयागराज या इलाहाबाद की हम बात करें तो मिड ऑफ़ द सिटी क्या है, सिविल लाइन्स है, जो हमारा अच्छा एरिया भी है, उधर साइड आप निकल जाइए तो अच्छे अच्छे मॉल्स और अच्छे अच्छे शॉपिंग मार्ट्स में हैं. तो ऐसी जगह पे हमारा शोरूम सिचुएटेड होता है. नेक्स्ट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट दीज शोरूम्स. कस्टमर भी ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं कि जहाँ पर हम जाएं और एक ही जगह पे हमको वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाए ताकि अलग अलग शॉप पे हमको जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो ऐसे ही शोरूम्स में जाना पसंद करते हैं. और हम जैसे कस्टमर्स तो और भी जाना पसंद करते हैं, भाई टाइम सेविंग होगा, जहाँ हमको 10 जगह घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक ही जगह पे कई सारी चीज़ें हमको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है, और डिस्काउंट भी हो जाएगा. तो ये था हमारा लार्ज स्केल रिटेलर्स. जैसे हमने स्मॉल स्केल रिटेलर्स में टाइप्स देखे थे, जैसे जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, स्ट्रीट शॉप्स, इस तरह के हमने इनके टाइप्स देखे थे. तो लार्ज स्केल रिटेलर्स के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं. लेट्स सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स. फर्स्ट इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. सेकेंड इज़ मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स. थर्ड वन इज़ मेल ऑर्डर रिटेलिंग. तो फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. ओके, तो डिपार्टमेंटल स्टोर विच इज़ अ टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स. तो लार्ज स्केल रिटेलर्स की ये टाइप होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स. तो जाहिर है इनके स्टोर या इनकी शॉप्स जो होंगी वो फिक्स्ड होंगी. तो नाम से शायद आपको पता चल रहा होगा, डिपार्टमेंटल मीन्स दे हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट. तो ये ऐसे स्टोर्स या ऐसे शॉप्स होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं. लाइक अगर हम मॉल की बात करें तो मॉल में आपने देखा होगा गारमेंट सेक्शन अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो नेक्स्ट एसेसरी सेक्शन आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा. देन कॉन्फेक्शनरी उसी में है तो वो अलग फ्लोर पे मिलेगा या अलग एक सेक्शन, अलग एक डिपार्टमेंट होगा. फिर आता है आपका हमारा फुटवेयर, फुटवेयर भी आपको अलग डिपार्टमेंट. कहने का मतलब यहाँ एक ऐसी शॉप, एक ऐसा मॉल, एक ऐसा स्टोर जहाँ आपको अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट अवेलेबल हों, और हर एक डिपार्टमेंट का अपनी एक परचेजिंग है, अलग अलग सेलिंग है, अकाउंटिंग भी अलग अलग होगी. जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिग बाज़ार ग्राउंड फ्लोर पे आप जाइए, जो सामान आप ग्राउंड फ्लोर पे लेते हैं उसकी बिलिंग आपको वहाँ करनी होगी. फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, जो सामान आपने फर्स्ट फ्लोर से लिया उसकी बिलिंग आपको वहाँ करनी होगी. ऐसे ही आप किसी अदर सिटी में जाइए तो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर देखने को मिलेंगे. डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, लाइक गारमेंट सेक्शन अलग,
फुटवेयर अलग, एसेसरीज अलग, ग्रॉसरीज अलग, कन्फेक्शनरी अलग, ठीक है, सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगी. और साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग भी होगी कि इस डिपार्टमेंट से आज कितने कस्टमर ने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी और कितनी की हमारी सेलिंग हुई. अगर फॉर एग्जांपल गारमेंट की अगर हम बात करें कि गारमेंट्स में आए तो कितने कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने फ़ीमेल गारमेंट्स ख़रीदे, कितने थे जिन्होंने मेल गारमेंट्स ख़रीदे या किड्स वियर ख़रीदे, और हमारे कितने प्रोडक्ट ख़त्म हुए, कितनी की सेलिंग हुई. क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के अपने एक डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है. तो हर डिपार्टमेंट के अपने एक मैनेजर होते हैं जिनका वर्क होता है अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करना, और इनका वर्क ही होता है कि अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग मांगना कि हमारे डिपार्टमेंट से आज कितने कस्टमर ने सामान खरीदे, कितनी की सेलिंग हुई और कितना कैश आया. और इन पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर के सारे डिपार्टमेंट को कौन कंट्रोल करता है? जनरल मैनेजर. जब पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को कंट्रोल या मैनेज कौन करता है? जनरल मैनेजर. तो अगर शॉर्ट वर्ड में अगर हम बोलें कि व्हाट इज़ अ डिपार्टमेंटल स्टोर, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ शोरूम, और वी कैन से स्टोर, और वी कैन से शॉप. दीज दोज स्टोर्स विच हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड दे हैव वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट इन दैट डिपार्टमेंट. And each department have a departmental manager who control or manage that department. And general manager are the person who control or manage all the departments. All the working of a departmental store are managed by the general store, general manager. Okay, तो ये थी हमारे departmental store. Let's see the features. First we have the large size. Large size departmental store का size large क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा हुआ है कि departmental store are one of the type of large scale retailers. तो large scale retailers का ही departmental store एक part है, एक type है. और हमने पढ़ा हुआ है कि large scale retailers की investment कैसी होती है? Huge होती है. और इनका business का size कैसा होता है? Huge होता है, large होता है. तो इसी वजह से यहाँ पर भी departmental store का size कैसा होगा? Large होगा. और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जिन business का size large होगा, they require huge investment or large investment. ज़ाहिर है जिसके बिज़नेस का साइज़ भी लार्ज होगा उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी. तो लार्ज साइज़ में आप यही लिखेंगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर का जो साइज़ या बिज़नेस का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स के ही टाइप में आते हैं, तो इनका साइज़ लार्ज होता है. और लार्ज साइज़ होने की वजह से इनको इन्वेस्टमेंट की भी ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ वाइड रेंज. वाइड रेंज में कह रहे हैं कि इट डील्स विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम लो प्राइस टू वेरी एक्सपेंसिव गुड्स. डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. कह रहे हैं इनके पास वाइड रेंज होती है. अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिनको वराइटीज़ चाहिए लेकिन लो प्राइस में, तो उनके पास लो प्राइस से लेकर हाई प्राइस तक के सारे प्रोडक्ट्स और उनकी सारी वैरायटीज़ एक डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है. अगर आप फिर हम एग्जांपल लेते हैं गारमेंट्स का, क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा ही फेवरेट. तो गारमेंट की अगर सेक्शन में जाते हैं या डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हर तरह के जेंट्स वियर, लेडीज़ वियर, किड्स वियर, है ना, क्लोथिंग हर तरह की मिलेगी आपको. प्लस आपको हर रेंज के कपड़े मिलेंगे. If you want to buy a low price goods, then you can buy. And those customer who want to buy expensive goods, they can also buy it from departmental store. तो हर तरह की range के आपको products मिलेंगे, from low price to high price, from low quality to expensive goods. Okay. Next is departmentally organized. The store is departmentally organized. Goods offered for sale are classified and each department specializes in one line of product. कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया है ताकि आपस में जो वर्किंग है, आपस में जो सेलिंग है, लोगों की क्लैश ना हो.
और इसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनके मैनेजर्स भी बनाए हैं, ताकि अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट हैं वो अपने ही लाइन के या अपने ही फील्ड या अपने ही एरिया के प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो सकें। जैसे नहीं, अब गारमेंट नहीं लेंगे, अब फुटवेयर लेते हैं। तो फुटवेयर की अगर हम बात करें, तो फुटवेयर में जो डिपार्टमेंट फुटवेयर को मैनेज करेगा, जो मैनेजर अपने फुटवेयर के डिपार्टमेंट को देखेगा, वो चाहेगा कि फुटवेयर से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जितने भी रेंज के आते हैं, हर टाइप के, मॉडर्न टाइप और ट्रेडिशनल टाइप, हर तरह के वो प्रोडक्ट रखें। तो इसीलिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, और अच्छे कंट्रोल करने के लिए हमने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को अवेलेबल करवाया। नेक्स्ट इज सेंट्रल परचेजेस। Central purchases. Here it is said that purchases of all the departments are made centrally. The departmental managers give a list of their requirements to the general manager, who makes purchases for all the departments. कह रहे हैं सेंट्रली इसको परचेज करने का भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट इसीलिए रखे गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई चीज़ सोल्ड हुई, तो ज़ाहिर है उस प्रोडक्ट को दोबारा आने के लिए हमको परचेज़ करना होगा, हमको ख़रीदने होंगे वहाँ से प्रोडक्ट, जहाँ से हमें लो प्राइस पे मिल जाए, होल सेल पर मिल जाए। तो क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी लिस्ट जनरल मैनेजर को देते हैं कि हमारे अपने डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे डिपार्टमेंट से ये चीज़ सोल्ड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट की लिस्ट सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जनरल मैनेजर को देते हैं, और फिर जनरल मैनेजर का काम होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है लिस्ट वाइज उनको अवेलेबल करवाए, परचेज करें। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल परचेज, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो मैनेजर्स हैं वो अपनी लिस्ट जनरल मैनेजर को देंगे, और फिर जनरल मैनेजर उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो परचेज करके उनको अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट इज सेंट्रल लोकेशन। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस और इन शॉपिंग सेंटर्स, सो दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी कैन ईजली रीच देयर। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स या जो लार्ज स्केल रिटेलर्स जिसके हम टाइप पढ़ रहे हैं अभी, डिपार्टमेंटल स्टोर, वो जो सिटी के जो सेंटर प्लेस होता है, या जो हमारे मेन एरिया होता है या मिड ऑफ द सिटी होता है, वहाँ जनरली लोकेटेड होते हैं, ताकि सारे कस्टमर्स को उनके जो भी स्टोर हैं उनको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, और आसानी से कस्टमर उनको फाइंड करके उनके डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो कहने का मतलब, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, ऐसे स्टोर की मिड ऑफ द सिटी या सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी होती है। नेक्स्ट इज सर्विसेज। किस टाइप की सर्विसेज ये स्टोर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स, लाइक पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट, पैकिंग, फ्री होम डिलीवरी। इस टाइप की डिपार्टमेंटल स्टोर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, मीन्स पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट, या पैकिंग करवाना है, या फिर फ्री होम डिलीवरी भी। गुड्स अगर आप उनके स्टोर से ख़रीदे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो होम डिलीवरी के चार्जेस लेते हैं, और बहुत सारे नहीं भी लेते हैं। तो इस टाइप की सर्विसेज ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन मींस जो ब्रोकर्स या जो हमारे एजेंट्स वगैरह होते हैं। तो कई बार हमने देखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं वो आते आते हमारे तक इसलिए प्राइस राइज हो जाते हैं कि जो मिडल मैन होते हैं वो अपना कमीशन या प्रॉफिट कराते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि स्टोर में हमको जाना है, अल्टीमेट कस्टमर को जाना है, और अपनी मर्ज़ी का, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको ख़रीदना है। कोई मिडल मैन, कोई ब्रोकर, कोई एजेंट नहीं होगा यहाँ पर जिसका अपना कोई कमीशन बने। लेट्स सी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बाय गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज, दे बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, हेंस एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। यहाँ मैन्युफैक्चरर्स से जो प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर अपने गुड्स को परचेज कर सकते हैं, ताकि मिडलमैन को यहाँ पर जो भी कमीशन या जो भी एजेंट होते हैं उनकी एलिमिनेशन हो सके। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। गुड्स
या जो न्यू गुड्स मार्केट में आएगा उसके बारे में कैसे एडवर्टाइजमेंट होगा या इनके स्टोर के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा. द डिपार्टमेंटल स्टोर्स एडवर्टाइज ऑन अ लार्ज स्केल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम फार एंड वाइड. कह रहे हैं कि ये अपने गुड्स या अपने स्टोर को एडवर्टाइज करने के लिए बहुत काफ़ी ह्यूज कैपिटल ह्यूज अमाउंट ये इन्वेस्ट करते हैं. बाहर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपने देखी होगी. कोई भी फेस्टिवल या कोई भी ऐसा ओकेजन आता है तो सबसे पहले इनका जो स्टोर का जो डिस्काउंट चलता है या फेस्टिवल कोई ऑफर चलता है तो ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे अपने स्टोर का एडवर्टाइज करते हैं या पैम्फलेट देते हैं या न्यूज़पेपर में या प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया बहुत सारे आजकल तो होते हैं एडवर्टाइजमेंट के जो हमारे वो हैं कनेक्शन. तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट पे ये अपनी ह्यूज कैप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनका डिपार्टमेंटल स्टोर का वाइड रेंज में या काफ़ी लोगों तक कस्टमर तक पहुंच सके कि हाँ एक ये स्टोर है तो हम जाके वहाँ से परचेज़ कर सकें. तो एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है. अगर प्रोडक्ट और स्टोर का परचेजिंग करवानी है सेलिंग इंक्रीज करना है तो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना ही होगा. तो ये थे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर और उसके फीचर्स. नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स इज मल्टीपल शॉप्स जिनको हम चेन स्टोर्स भी कहते हैं. अक्सर एग्जाम में मल्टीपल शॉप्स ना कहकर चेन स्टोर्स के बारे में पूछते हैं. तो डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में तो आता ही आता है, चेन स्टोर्स के बारे में अक्सर एग्जाम में आता है. अभी हम इसको स्टार्ट इसलिए नहीं करते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपस में. तो ये जो सेकंड टाइप है हमारा चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप जिसको हम कह रहे हैं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. अभी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स आपस में क्लैश हो जाता है तो वो मिक्सअप हो जाता है, समझ में नहीं आता है. अभी आप इसको पढ़िए, रीड करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम चेन स्टोर करेंगे. सेकेंड मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन क्लास भले ही से आपकी चल रही है लेकिन आपने देखा होगा वीडियो या गूगल मीट के थ्रू आपको नहीं समझ में आ रहा, ना ही टीचर्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अपकमिंग मंडे हमारा, उससे शायद आपको कुछ फैसिलिटी दी जाए कन्विंस की. तो जब तक नहीं मिल पा रही है अपकमिंग मंडे तक, अगर जहाँ पर जिस एरिया में मिलती है वेल एंड गुड, और जहाँ नहीं मिल रही है कम स्कूल and get your lecture offline mode. ऑनलाइन मोड में ना टीचर्स आपको इतनी अच्छे से समझा पाएंगी. हो रहा है, चैप्टर चल रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंट्स, स्टार्ट्स, स्पेशली इकोनॉमिक्स है ना, तो ये जो है स्कोरिंग मार्क्स हैं, लेकिन आप अपने स्कूल ना आने के चक्कर में मार्क्स अपने छोड़ देंगे. और अगर आप ये सोचें कि 12th में जाकर उसको कैप्चर कर लेंगे या जो बेस है उसको भी सीख लेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल. 11th 12th का एक बेस होता है. 11th में जो चीज़ क्लियर हो पाएंगी वो 12th में जाकर आपकी और वाइड में और एक्सपैंड चीज़ हो जाएंगी, तो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा. 11th में जब तक बेस क्लियर नहीं होगा 12th आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो स्कूल आइए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए. और ऑनलाइन क्लास तो आपकी चलती ही रहेंगी, वीडियोज़ टीचर्स डालते रहेंगे और लाइव क्लासेस भी चलती रहेंगी, लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे, हम ये एडवाइस देंगे कि दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड दोज हु डोंट हैव एनी कन्विंस प्रॉब्लम, जिनकी कोई कन्विंस की प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल आके ऑफलाइन मोड से आप लेक्चर लीजिए और पढ़िए तो शायद ज़्यादा समय आएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.